सिलवासा के एपीजे अब्दुल कलाम सरकारी कॉलेज में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के छायादार वृक्षों को लगाया गया। संघ प्रदेश सिलवासा शुक्रवार को सिलवासा विस्तार के डोकमर्डी में स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गवर्नमेंट कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के विद्यार्थियों द्वारा पीडी लाइट जो फेविकोल बनाती है उसके सहयोग से वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर कॉलेज परिसर में करीब 200 पौधों का रोपण किया गया, जिसमें कॉलेज के प्राचार्य, प्रोफेसर, विद्यार्थियों एवं पीडी लाइट के प्रतिनिधियों ने उत्साह से भाग लेते हुए कॉलेज के परिसर में विभिन्न प्रकार के पौधों का रोपण किया। कई पौधे कॉलेज के कंपाउंड के दीवार के किनारे लगाए गए। इस संबंध में एनएसएस के अध्यक्ष चौधरी ने बताया कि आगामी दिनों में यहां पर और 200 पौधे लगाए जाएंगे, ताकि भविष्य में जब यह पौधे बड़े होंगे यहां वृक्ष की छाया लेते विद्यार्थी बैठकर पढ़ाई भी कर सकेंगे और कॉलेज परिसर भी हरा भरा नजर आएगा। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण सभी को करना चाहिए, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ ही स्वच्छता पर्यावरण होता है। सर, आज हमें घना बदा झाड़ लगाया, जेना कारण हमें आता जो हमारा स्टूडेंट है ते लोग ने झाड़ना नीचे बेसवा माटे जीरिक काम लागसे। अने सेकंड वन के वधारे झाड़ लगाड़ू तो एना कारण हमारा कॉलेज नु व्यू पण सारू देखाय। राष्ट्रीय सेवा योजना कर रहे हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि हमने आज 50 पेड़ लगाए और सर ने बताया कि जैसे कि अभी हम 150 पेड़ और लगाने वाले और 15 अगस्त के दिन भी ये कार्यक्रम हम रखने वाले हैं, क्योंकि इससे ना पेड़ लगेगा, शुद्ध वातावरण रहेगा, हवा आएगा, छाव मिलेगा और ऊपर से कॉलेज यहाँ पे अभी नया बना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी खड्डा खड्डा है, यहाँ पे एक भी पेड़ नहीं है क्योंकि यहाँ पे सब कट किया गया है और हम इसको लगाएंगे। अगर कोई एक जन एक लगाएगा तो हम 50 का टीम है तो 50 पेड़ लगेंगे और 50 पेड़ लगेंगे तो फिर इसे और ज्यादा हम लोग को फैसिलिटी मिलेगी और जितने लोग हैं ये हमें देख के और ज्यादा जागरूक होंगे और भी लोग इसमें शामिल होंगे और इससे ज्यादा और हमारा ये जो एनएसएस कैंप का कैंप है और बढ़ेगा। पेड़ पूरे विश्व की आवश्यकता है आज, और हमारे बच्चों ने एनएसएस में मैं 3 साल से कार्यरत हूँ। पहले नरोली में चलता था हमारा कॉलेज, वहाँ हमने 200 पेड़ लगाए थे, करीब 150 पौधे आज भी काफी बड़े हो गए हैं और आयुर्वेदिक हैं वो, कई जैसे नीम है, आंवला है, अपने बील है, कई पौधे हमने उसमें लगाए और वो काफी बड़े हो रहे हैं। हमारे बच्चे जाते हैं अभी भी उनको देख के आते हैं, कई बार मैं भी जाता हूँ, काफी बड़े पेड़ हो गए। अब हमारा यही मिशन है कि हमारा कॉलेज बिल्कुल हरा भरा और स्वच्छ रहे, क्योंकि पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही आवश्यकता हो गई ये पेड़ लगाना। और अभी तो आज कंपनी के सहयोग से लगा है, इसके अलावा हम 200 पेड़ खुद हम वन विभाग को लिख चुके हैं, जैसे ही हमारे पास 200 पेड़ आते हैं हम 200 पेड़ और लगाएंगे।